IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। रामविलास पासवान को पद्म भूषण मिलने के बाद चिराग पासवान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बात अगर नीतीश कुमार की हो तो चिराग पासवान एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो नीतीश कुमार को नहीं घेरते हो। दिल्ली से पटना लौटने के बाद चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। आप भी सुनिए चिराग पासवान नीतीश कुमार को क्या कुछ बोल रहे हैं। आज जिस तरीके से और आपकी इतनी धांधली करने के बावजूद कौन नहीं जानता कि भैया सत्ता पक्ष ने क्या क्या नहीं किया। आपने कहीं पे पैसे बंटवाए, आपने कहीं पे सामग्रियां बंटवाई, आपने प्रलोभन देने का प्रयास किया। आपके अधिकारी स्तर के नेताओं ने, आपके SDO ने जिस तरीके से फ़ोन कर कर लोगों को धमकाने का प्रयास किया, उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो जनाधार लोक जनशक्ति पार्टी को, जो जिन लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना समर्थन किया, अपना विश्वास रखा, ये जनाधार भले ही इस बार आपकी धांधली की वजह से आपको चुनाव नहीं हरा पाया हो, पर आने वाले समय में ये जनाधार इतना ज़रूर है कि अगर ये किसी भी और तरफ चला जाएगा या किसी के भी साथ मिल जाएगा तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी, ये मैं पूरे विश्वास। भाई देखिए, जिस तरीके से जहरीली शराब से आए दिन जाने जा रही हैं, इसमें जवाबदेही तय करना ज़रूरी है। भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्या ये पता नहीं है? एक आम बिहारी इस बात को जानता है कि भैया बिहार में खुलेआम शराब मिलना तो दूर की बात है, अब तो होम डिलीवरी शराब की होती है, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। तो या तो उनका संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, तस्करों को, और या फिर वो जानबूझकर लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। आज भैया छठ का पर्व है, कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ पर आज छठ का त्यौहार मनाया जाना था, वहाँ आज मातम बन रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये घटनाएं ऐसी नहीं, ये तो वो चंद घटनाएं हैं जो कि सुर्खियां बन जाती हैं, जो कि खबरों में आ जाती हैं, पर आए दिन गांव देहात में अगर आप जाके देखिएगा, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसकी जवाबदेही तय होना ज़रूरी है। अब तो उनके गठबंधन के साथी भी बोल रहे हैं कि भैया इसके ऊपर जाँच होनी चाहिए, पुनः समीक्षा होनी चाहिए, पर समीक्षा से होगा क्या? जिन अपराधियों को संरक्षण स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दें तो उसमें आप समीक्षा कर भी लेंगे तो क्या होगा? ये बात हम लोग आज से तो नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो एक लंबे समय से, जब से कानून बना है तब से इस कानून पे अमल हुआ ही नहीं है। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं IVTV। धन्यवाद।